Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. दो जोन की रोटी के लिए युगांडा गए सरधना निवासी अशोक शर्मा वे अन्य की घर वापसी हो गई है। अशोक शर्मा वे अन्य ने जो आप बीती सुनाई है उसे सुनकर रोंगटे खड़ा हो जाना ही काफी नहीं। कम क्षमता की मशीनरी से अधिक उत्पादन न कर पाने के लिए भट्टी में झोंक देने जैसी धमकियां उनके लिए आम हो गई थी। पासपोर्ट आदि जब्त कर इन मजदूरों के सामने 5 लाख रुपए का भुगतान कंपनी को करने की शर्त थोप दी गई थी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और धर्मेंद्र भारद्वाज के प्रयास रंग लाए और इन लोगों की अंततः घर वापसी हो गई। युगांडा में फंसे इन लोगों की परेशानी को फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने प्रमुखता से उठाते हुए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से वार्ता की थी। पहले देखिए अशोक शर्मा का वह वायरल वीडियो जिसके बाद यह मामला सभी की जानकारी में आया था। मैं अशोक शर्मा, गांव करनावल, जिला मेरठ का रहने वाला हूं। हम यहाँ युगांडा में आए थे और यहाँ से यहाँ आने के बाद हमारा इन्हें काम पता नहीं पसंद आया नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम्हें बॉलर में झुकवा देंगे या पुलिस के में पकड़वा कर जेल करवा देंगे। पासपोर्ट भी ले लिया हमारे, और मेरी तो हमारी गवर्नमेंट से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमें वापसी बुला लिया जाए। हमें माइंड टॉर्चर किया जा रहा है, और कभी कभी मन ऐसा करता है कि आत्महत्या कर ले। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब देखिए फर्स्ट बार डॉट टीवी से क्या कहा था डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। युगांडा में 7 लोग हिंदुस्तान के फंसे हुए जैसी सूचना प्रथम दृष्टया मुझको मिली है, और जो सूचना मिली है उसके हिसाब से उनके मैंने पासपोर्ट और वीजा मंगा लिए थे। आदरणीय विदेश मंत्री जी के एक वरिष्ठ अधिकारी जो IFS हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनको आज पूरा प्रकरण मैंने लिपिबद्ध करके भेज दिया है, और उस प्रकरण के आधार पर जैसा भी परिणाम आएगा, उम्मीद ये है कि उन्होंने कहा कि हम युगांडा में इसको भेजकर जानकारी करके इसका रास्ता निकालेंगे और मदद होगी। तो जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारत का कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में किसी संकट में पड़ा है तो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कोई टीम हो, चाहे कोई ग्रुप हो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने लगातार उसकी मदद की है, मदद होगी इसका मुझे भरोसा है, और मदद के लिए मैंने आग्रह आदरणीय विदेश मंत्री जी को पत्र भेज के किया है। इसमें मेरठ के करनावल के हैं, रुड़की से 2 हैं, 2 लोग मुजफ्फरनगर से हैं, और कुछ 1-2 लोग और हैं, सब उत्तर प्रदेश के हैं और 7 लोग। आज मीडिया को अशोक शर्मा व अन्य लोगों ने यह जानकारी दी। हम युगांडा में थे सर, और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया, बॉलर में झोंकने की धमकी दी गई, और कभी 5 लाख रुपए दे दो आप अपने घर जा सकते हो, नहीं तो झूठा केस लगा के यहाँ की लोकल पुलिस को पकड़ा देंगे, जेल में डाल देंगे। तब मैंने वीडियो बनाई और अपने यहाँ पे घर भेज दी, इन्होंने वायरल करा दी, और हमारा परिवार गाँव के श्री माननीय लक्ष्मी वाजपेयी जी से मिले और इन्होंने हमारी सहायता की। इस वजह से हम अपने घर आज अपने परिवार में आ सके, और हमें नहीं था कि हम अपने घर भी आ जाएंगे वापसी। कितना समय लगा? अभी हमको 4 महीने हो गए थे उधर। हाँ जी, रखा जा रहा था हमें रखा तो सर कमरे में जा रहा था, और ड्यूटी भी कर रहे थे हम, लेकिन वही बात है उनका प्लांट छोटा था, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते थे, वो हम नहीं दे सकते थे। हमने उनसे ये भी कहा दूसरे प्लांट के आदमी यहाँ पे ले आओ, 5-7 आदमी, हम दूसरे प्लांट में चले जाएंगे, अगर हो सकता है वे इतना प्रोडक्शन दे सकते हैं तो फिर हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आप ही दोगे ये प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको? हाँ जी। क्या मैं श्री मान्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को और जितने भी भारद्वाज जी हैं और ये अपने धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं और ब्रजेश जी हैं, तोमर जी, सोमेंद्र तोमर जी हैं और कपिल जी हैं, मैं सभी को अपने दिल से शायद मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं अपने परिवार के इनकी अपने परिवार के बीच इनकी वजह से मैं किस तरह आया हूँ। इन्होंने इनका बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ। उम्मीदें छोड़ दी थी सर, मन ये करता था कि आत्महत्या कर ले, मर जाए बस, उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दी थी। मैं युगांडा में गया था राजीव सिंघल जी के थ्रू, जो GM शुगर और HK शुगर के CEO हैं। मैं अपॉइंटमेंट था HK शुगर इंडस्ट्रीज लुजिंगा, तो हमें यहाँ से ले जाया गया। 6 मार्च को मैं वहाँ पहुँचा, और उसके बाद 2 महीने हम ठीक रहे, 2 महीने बाद हमें प्रोड्यूस शुरू कर दिया गया, प्लांट शुरू हो गया, प्रोडक्शन उतना नहीं निकला, प्लांट 100 टन का आया और 300 टन की क्रेशिंग चाह रही थी, इस वजह से दबाव बनता गया। बाद में हमने कहा था हमारे घर भेज दीजिए, तो उन्होंने हमसे 5 लाख रुपये
या फिर जेल में डालने की धमकी दी गई झूठे केस में, और बाद में उनका जो पर्सनल मैनेजर योगेश पटेल उसने हमें बॉलर में भी झोंकने की धमकी दी गई। इस तरह हम सभी पीड़ित थे और हमने कैसे भी करके वाजपेयी सर के अपना कॉन्टैक्ट किया भाई साहब के थ्रू, और इन्होंने हमारी पूरी मदद करी। इनका हम पूरा आभार व्यक्त करते हैं सभी का। इनकी वजह से आज हम अपने वतन वापस आए, अपने परिवार में है। मेरी सैलरी 65,000 थी। इससे पहले से मैं 7-8 देश में जा चुका हूँ, मेरा दूसरा पासपोर्ट है। यहाँ से हम 7 ही बंदे गए थे, 7। 3 वापस आए हैं, 4 हमारे बंदे फंसे हुए हैं। इस TCD का था और कैपेसिटी वो उसकी जो प्रोडक्शन था वो 300 TCD के अकॉर्डिंग लेना चाहते थे, और वो जो पॉसिबल नहीं था। हमने कहा भी वहाँ के अधिकारी लोगों को कि सर जो दूसरे लोग हैं दूसरे प्लांट में उन लोगों को यहाँ पे ले आओ, हम वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप ही देंगे इस प्रोडक्शन को, नहीं तो आपको 5 लाख रुपये देना। जब हमने घर के लिए कोशिश की कि सर जब हम ये प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हमें इंडिया के लिए भेज दो, तो उन्होंने कहा या तो 6 महीने फ्री करो, 6 महीने करना पड़ेगा आप लोगों को, वरना 5 लाख रुपए दो और इंडिया जाओ। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता, मेरे संज्ञान में नहीं है। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न है, और मैं भारत सरकार से और श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से और सभी माननीय मंत्री एवं सदस्यगणों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं हमारे भारतीय, वे बहुत बुरी स्थिति में हैं चारों लोग, वे जल्दी आ जाए, तो बस यही परमात्मा से मेरी इच्छा है। इस बारे में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मीडिया से यह कहा। सर, कुछ लोगों का मसीहा बने युगांडा से उन्हें वापस बुलाया, कैसे आप तक शिकायत हुई, आपको कितने प्रयास करने पड़े वापस? भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसी भी भारतीय के साथ विदेश में कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा, नहीं तो चाहे हवाई जहाज भेज के बुलाना हो, चाहे देश का मंत्री भेजना हो, हर भारतीय को विदेश में भी सुरक्षा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनके इसी पद्धति से प्रेरणा प्राप्त करके धर्मेंद्र भारद्वाज जी माननीय MLC और श्री ब्रजेश चौधरी जी जब मेरे पास इस विषय को लेकर आए, तो मैंने तुरंत उस पर चिट्ठी लिखी माननीय विदेश मंत्री जी को और उनके यहाँ भेज कर बात की। 2 बजे मैंने चिट्ठी भेजी थी, 7 बजे युगांडा में भारतीय दूतावास के अधिकारी इन लोगों के पास तक चिट्ठी पहुँच गई थी, और अगले दिन भारतीय दूतावास युगांडा के अधिकारी इन लोगों के पास तक पहुँच गए थे, और 2-3 दिन में व्यवस्था करके इनको भेजने का काम किया। जो शेष 4 लोग रह गए उनके बारे में भी आदरणीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से मेरी बात हो गई है, और वह भी वापस आएंगे। अगर प्लांट के लोग रोकने की कोशिश करेंगे तो प्लांट भले बंद हो जाए, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान वापस आएगा। सर, बताया गया कि इनको उत्पीड़न करा गया है, काफ़ी इनको यातनाएं दी गई हैं, तो कोई कानून इनसे अधिक सीमा से अधिक काम लेने की बात थी। इनका प्लांट उस सीमा तक अलाउ नहीं कर रहा था। इनके द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर इनको बॉयलर में झोंकने की धमकी दी गई, इन्हें हिंदुस्तान वापस नहीं देने जाने दिया जाएगा, ये तक कहा गया। और अभी आपके सामने इन्होंने बताया कि 6-7 महीने पहले किसी एक कर्मचारी ने जो गुजरात का रहने वाला था उसने आत्महत्या कर ली थी। ये तो सौभाग्य इनका और भारत सरकार के विदेश मंत्री जी का सहयोग है, जो ये वापस अपने देश में आ गए, परिवार में आ गए, उसकी तो लाश भी हिंदुस्तान नहीं आई। निश्चित तौर पर मैं विदेश मंत्री जी को इनसे सारा डिटेल लेने के बाद लिखूंगा कि वो GM Sugar मिल जिसके मालिक हिंदुस्तानी हैं, जिसका जनरल मैनेजर हिंदुस्तानी है, जिसमें काम करने वाले हिंदुस्तानी हैं, कम से कम जो रुचि से काम करे, जिन दरों और शर्तों पर ले जाया जा सके वो काम उनसे लिया जाए, उत्पीड़न ना किया जाए, अन्यथा ऐसी फर्म को बंद करने की भी कार्रवाई अगर भारत सरकार की सीमा में हो तो कराने की कोशिश करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।